शर्मा है और मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। एक ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि ये प्रोडक्ट सच बताऊं तो हिंदुस्तान में तहलका मचाएगा। दोस्तों अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और इसकी इतनी डिमांड है कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन अभी तक जो इतनी डिमांड हुई है वो केवल इसके रिजल्ट के कारण कि आज ये प्रोडक्ट लेते हैं और कल इसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस हमें पता चलने के बाद माय गुडनेस हमारी नींद खुल गई, आंखें खुल गई और अभी आपकी भी खुल जाएगी। आप नोट्स बनाइएगा और आप 100% इस प्रोडक्ट को जानने के बाद आप खुद लेना नहीं भूलोगे और आप ऐसे 10 फैमिली को जरूर दीजिएगा, क्योंकि मिशन ऑफ 10 हेल्दी फैमिली में हम लोग हैं दोस्तों, तो आपके माध्यम से बहुत लोग हेल्दी रहने वाले हैं। थैंक यू। हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको बोलते हैं गट हेल्थ। ये आवर गट्स और इंटेस्टाइन्स एंड आवर कोलन नियर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। हमारे जो इंटेस्टाइन और स्पीशीज है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। नाउ वी ट्रेडिशनली थिंक ऑफ बैक्टीरिया आर बैड, राइट? वी नीड एंटीबायोटिक्स, सो एवरीथिंग इज एंटीबायोटिक्स, वी किल बैक्टीरिया। हम लोग ऐसा सोचते हैं तो बैक्टीरिया है जो बुरा है और शरीर के लिए खराब है, इसलिए जितने भी उसको उसमें एंटी बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत प्रमोट होते हैं। And that's true, while there are bad bacteria, there are many, 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 many good bacteria. और वो सही है कि बैक्टीरिया बैड होते हैं, पर जैसे बैड बैक्टीरिया होते हैं वैसे बहुत सारे गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। There are good bacteria that help with cholesterol control, glucose control. There are good bacteria that produce neurotransmitters that help with mood and cognition. ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं आपके शरीर के बहुत सारे फंक्शंस को बेहतर करने में हेल्प करते हैं, जैसे आपका कोलन फंक्शन हुआ, आपका जो न्यूरोट्रांसमिटर फंक्शन हुआ उसको बेहतर करने में हेल्प करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इंक्रीज अमाउंट ऑफ गुड बैक्टीरिया इन आवर गट व्हाइल डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ बैड बैक्टीरिया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाएं और बुरे बैक्टीरिया को कम करें। एंड one of the best ways to do that is our new Life Fiber product. और ये बैड अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए बुरे बैक्टीरिया को कम करने के लिए हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है, यूनिसिटी फाइबर। Who has this product? कितने लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया है? Amazing product for proper gut health and metabolic health. आपकी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। Because there's a war going on between good and bad bacteria. There's a finite amount of surface area in our gut. And so if we're increasing amounts of good bacteria, that means bad bacteria is going down. तो आपकी गट हेल्थ को बढ़िया करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके गुड बैक्टीरिया के प्रपोर्शन को बढ़ाएं और बैड बैक्टीरिया को कम करें। So the major ingredient, the powerhouse of this Life Fiber product is our psyllium husk fiber. तो हमारे इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है जिसको बोलते हैं सीलियम हस्क फाइबर। And the major components of psyllium husk are these uronic acids, hexoses, pentoses, other saccharides. So the ingredient is sodium phosphate, उसके अंदर various ingredients हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। Now the thing about psyllium husk is when you take psyllium husk and you add water to it, psyllium forms into this viscous gel that expands. सीलियम हस्क जब आप पानी के साथ पीते हैं तो शरीर के अंदर जाके वो एक जेल फॉर्मेशन करता है। And this expanding function of psyllium helps with multiple aspects of digestive health like diarrhea. ये जो सीलियम हेल्थ का फंक्शन है, जब आपके पेट में जाता है तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डायरिया वगैरह को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Now the normal chronic diarrhea is that the transit time in the digestive system is so fast, there's no time for the body to gain fecal mass. Things are just rapidly moved out of the body. जब डायरिया होता है तो आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी के अंदर डायरिया बहुत स्पीड से होता है, तो आपकी बॉडी उसको जो रिकवर कर सके वो मैकेनिज्म बहुत स्लो हो जाता है। हाई वॉल्यूम सोडियम लाइक फैट और लाइक फैट हेल्प्स टू स्लो डाउन ट्रांजिट टाइम सो फीकल मास कैन फॉल एंड बैलेंस इज अटेन्ड इन द बॉडी। सेलिनियम हस्क जो आपकी जो स्पीड है उसको स्लो कर देता है, मतलब बॉडी
बॉडी का जो रिकवर मैकेनिज्म है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का उसको बेहतर करने में हेल्प करता है. लीवर सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर इश्यू कॉन्स्टिपेशन. हम लोग अब एक और तकनीक के बारे में बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन. Yeah, constipation is the opposite issue where transit time is stopped, like a traffic jam. Constipation होता है जैसे डायरिया बोलते हैं तो बहुत स्पीड से होता है तो constipation वैसे ही है जैसे traffic jam हो गया है. Sorry talking about this, my doctors would say TMI, too much information. वो आप उनकी बेटी उनको बोलते हैं कि मैंने ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है जब आप इस समय से बात करते हैं. Does is it helps, it goes out of the digestive system, it gels out, it expands, and it helps to push things through and resume proper function. But one important thing is body level, after the proper functioning hai, usko help karne mein help karta hai. This paper shows that psyllium can help with constipation. This was studied by a Palmer and Gallo group. ये जो पेपर है बता है डॉक्टर डायमंड ग्रुप का जिसके अंदर की सेलेनियम हेल्प करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए. सेलेनियम हैज द एबिलिटी टू हेल्प पीपल हु सफर फ्रॉम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस. सी जो सेलेनियम है वो आपका जो आईबीएस सिंड्रोम है उसको भी रिकवर करने में हेल्प करता है. नाउ सेलेनियम आल्सो हैज अमेजिंग मेटाबॉलिक हेल्थ प्रॉपर्टीज. दिस पेपर शोस दैट सेलेनियम कैन हेल्प विद ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल. सिलिकॉन में एक और ब्रांड कंट्रोल ग्लूकोज कंट्रोल का प्रॉपर्टी है जिसमें भी हेल्प करता है रिसर्च पेपर बताता है. सो इरिगेशन जीनियसली बैलेंस हाउ मेंटेन पावर मेटाबॉल फंक्शन विद ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल बाय फाइबर कैन हेल्प एज वेल. तो जैसे आपका सिलिकॉन हेल्प कर रहा है कि फाइबर में आपके ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में जो आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर भी हेल्प करता है. सिलिकॉन आल्सो हेल्प्स विद कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल. बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को हेल्प करता है गुड बैक्टीरिया को डेवलप करने में.